वाले हैं पावर मिल 2020 के अंदर, 2D कर्व मशीनिंग। इसमें क्या, हमने एक स्केच बना रखा है, उस स्केच के चारों तरफ हमारे को रोटेट करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा कट जो है 12 mm का टूल जो है इस स्केच प्रोफाइल के ऊपर ऊपर चले। ठीक है, उसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चूज़ किया है, उसके लिए हमने चूज़ किया है 2D कर्व प्रोफाइल, कर्व मशीनिंग के अंदर 2D कर्व प्रोफाइल चूज़ किया। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये ट्यूटोरियल कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए स्केच है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर मिल मॉडलिंग है जिसके अंदर हमने ये स्केच बना लेना है। अब स्केच कैसे बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नई फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, ये ग्रिड अगर नई नज़र आ रही तो ये ग्रिड है, ये ओरिजिन पॉइंट हमारे को नज़र आ रहा है। पॉलीगन लेंगे, पॉलीगन में पूछ रहा कितनी साइडें चाहिए। मैंने कहा जी मुझे मान लो 8 साइडें चाहिए। ठीक है, तो 8 साइडें दो, ओके करो। सेंटर पॉइंट दो, और कितने डाई का चाहिए। मैंने कहा जी मुझे 100 डाई का चाहिए, तो 100 डाई का एक पॉलीगन बन जाएगा। अगर मेरे को फिलेट वगैरह लगानी है तो फिलेट भी लगा सकता हूँ मैं। एज सेलेक्ट करेंगे तो जितना रेडियस हमने भरा होगा, हमने 20 रेडियस भरा, तो 20 रेडियस का फिलेट लग जाएगी। ठीक है, अगर हमारे को किसी भी फिलेट को चेंज करना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके रेडियस आ जाता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं 35 का। ठीक है, इसी के ऊपर डबल क्लिक करो, रेडियस आ जाएगा, उसको चेंज कर। अब मेरा स्केच बन गया। अब इस स्केच को मेरे को पावर मिल के अंदर लेके आना है, तो क्या करेंगे, पहले करो कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, फिर दबाओ कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से हो जाएगा कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी को हम क्या करेंगे, पावर मिल के अंदर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बना हुआ है इसको हम क्लोज कर देते हैं, नई फाइल खोल लेते हैं। तो अभी ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, नन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न के ऊपर जाके राइट क्लिक, पेस्ट एज न्यू पैटर्न, पेस्ट एज न्यू पैटर्न करेंगे तो ये हमारे पास पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, इस पैटर्न को मॉडल के अंदर ले जाना है, इंसर्ट मॉडल। उससे फायदा क्या होगा कि जब हमारे को इसको कर्व वगैरह बनानी होगी तो मॉडल में एज ए मॉडल नजर आएगा वो हमारे को। ठीक है, तो उसके बाद हमारे को लेना है 2D कर्व मशीनिंग, 2D कर्व प्रोफाइल। ठीक है, कर्व मशीनिंग के अंदर 2D कर्व प्रोफाइल, इसका मकसद यही होता है कि स्केच के ऊपर ऊपर चलना है मेरे को, जहाँ जहाँ मेरा स्केच बना है उसके ऊपर ऊपर चलना है, या स्केच के अंदर चलना है या स्केच के बाहर चलना है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन है देखेंगे हम, ओके करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, कैम सॉल्यूशन लुधियाना के नाम से चैनल है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना है और नीचे कमेंट भी जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बढ़िया बताना है, नहीं अच्छी लगी या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताना है। ठीक है, तो मेरा ये 2D कर्व प्रोफाइल आ गई है। तो सबसे पहले हम कर्व ही दे देते हैं, तो कर्व हमारे पास यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, बट इसका नुकसान क्या होता है, हमारे पैटर्न में है एक नंबर बट मैं इसको नहीं यूज़ करता, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसको कहूँगा ना मशीनेबल सेक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन आ जाएंगे, तो इनको फिर मुझे एक एक को रिमूव करके एक सिंगल सेक्शन चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं बनाना, मुझे एडिट कर्व करनी है। कर्व एडिटर में जाएंगे और यहाँ से कॉम्पोजिट कर्व कर देंगे इस कर्व को। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास एक और पैटर्न बन गया। ठीक है, अब इसकी मशीनिंग में जाके अगर मैं मार्क करूँगा तो हमारे पास सिंगल, अब टूल बाहर वाली साइड चलाना है या अंदर वाली साइड चलाना है हम चूज कर सकते हैं, और साथ के साथ हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं उसको भाई किस डायरेक्शन को जाएगा ये। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये मेरा कर्व सेलेक्ट हो गई। अब दो तीन चीज़ें और देनी होती हैं, क्योंकि हमारा वर्क प्लेन हमने बिल्कुल सही बनाया है जेड में, तो इसलिए इसको ज़्यादा छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। सेकेंड चीज़ हमारे को देनी है बॉक्स,
ब्लॉक ब्लॉक क्या है? ब्लॉक हमारा है रॉ मटेरियल, जिसमें से हमारे को मटेरियल काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे इसकी, क्योंकि तो हमने 100 का बनाया था, है ना, 100 रेडियस का बनाया था, तो माइनस 120 से लेके 120 तक दे देता हूँ। ठीक है, 20 हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इधर से भी ठीक है। ये मेरा स्टॉक बन गया। जेड में भी मुझे बताना है मुझे कहाँ से तक जाना है, तो मैंने उसको -30 mm नीचे कर दिया। ठीक है, तो मेरा ब्लॉक नज़र आने लग गया। अब तीसरी चीज़ जो मुझे देनी है वो है टूल। टूल में मैं क्या करूँगा, एंड मिल लूँगा और टूल दे दूँगा। 12 mm का टूल चाहिए तो 12 mm दे दो, चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कर्व प्रोफाइल है ये देखो, यहाँ पे पोजीशन में हमने किया हुआ है टूल फॉलो बाय द पैटर्न। ठीक है, इससे क्या होगा, कर्व के ऊपर ऊपर चलेगा। और हमने लोअर लिमिट दे दी -10 -2 mm, तो हमें 2 mm नीचे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया नन। स्टॉक डेप्थ भी दे सकते हैं, 0 दे दी हमने। एक बार कैलकुलेट करते हैं, देखो तो ये -2 mm नीचे चला गया। ठीक है, इसकी और भी ऑप्शन बताता हूँ मैं, पहले इसको चला के देखते हैं। तो इसको चलाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सिमुलेशन में जाएंगे, जो हमारा एक नंबर है टूल उसको यूज़ करेंगे और प्ले का बटन दबाएंगे। ठीक है, अगर इसको 3D में देखना है तो इसको ऑन कर लो, फिक्स कंटूर करके यहाँ से रेनबो शेडिंग कर दो, गो टू बिगनिंग और प्ले। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारी जो ये सेटिंग है इसकी, ये हमारा टूल पाथ यहाँ पे आ गया, इसकी अगर मैं सेटिंग में जाऊँ, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम सेटिंग में जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे क्लिक करना है इनेबल। अगर यहाँ क्लिक कर देंगे तो एक और टूल पाथ बन जाएगा। ठीक है, हमारे को और टूल पाथ नहीं बनाना, हमारे को पहले वाले को ही एडिट करना है। और अगर मैं यहाँ पे -2 की जगह -10 कर दूँ और फिर कैलकुलेट करूँ, तो ये देखो 10 mm नीचे चला गया। ठीक है, और अगर एक नंबर को प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखो ये 10 mm अंदर चला गया। ये स्टॉक है, इसको हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑन करना ऑन कर लो, हाइड करना हाइड कर लो। ठीक है, फिलहाल मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि हमारे को देखने में आसानी हो। तो हाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो सीधा -10 mm नीचे चला गया। तो ये एक तरीके से गलत हो गया, क्योंकि हम इतना बड़ा कट थोड़ी लगा सकते हैं एक बार में। तो फिर से हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके हमारे को इसको एडिट करना है। और यहाँ पे -10 ठीक है, हम कहेंगे कट डिस्टेंस में हमने कहा हमारे को चाहिए नंबर ऑफ कट कितने, मैंने कहा जी 10 चाहिए, 1 mm के 10 कट चाहिए। कैलकुलेट करेंगे, ओके क्लोज करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे 1 mm के 10 कट आ गए। ठीक हो गया, तो अगर मैं अब इसको चला के दिखाऊं तो ये एक ही बार में नहीं काटेगा, ये 1 mm चलेगा। इसको फिक्स कर लो, हमने क्या किया, हमने उसको फिक्स करने की बजाय सीधा ही चला दिया, तो वो 3D में चलने लग गया। 3D में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता होता है, इसलिए उसको पॉज कर सकते हैं। हम यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं, तो क्रॉस का निशान आना 2 सेकेंड लगाएगा, बंद हो जाएगा। एक तरीके से हॉल्ट कर दिया हमने, यहाँ देखो लिखा है ब्रेक हिट। ठीक है कि हमने हिट ब्रेक किया है, कोई बात नहीं। सिमुलेशन देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको यहाँ से फिक्स कर लो। ठीक है, गो टू बिगनिंग, स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर प्ले करो।
यहाँ पे अभी 1 mm का कट, फिर अगला, ठीक है, ऐसे 1-1 mm करके 10 कट लगाए। स्पीड तेज कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर है। अब हमारे को एक और चीज़ करनी है कि हमारे को कट जो है इस कर्व के ऊपर नहीं चलाना, हमारे को अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड चलाना। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके एडिट करेंगे और यहाँ से पोजीशन कर देंगे चेंज, ठीक है। जब हमने यहाँ से ऑप्शन किया था तो हमने अंदर वाली साइड किया था, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये टूल पाथ जो है उसके अकॉर्डिंग आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में डायरेक्शन जो है, यहाँ पे एक डायरेक्शन आ रही है, इसको अंदर कर दिया मैंने, ठीक है, क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये टूल पाथ जो है अंदर वाली साइड बनने लग जाएगा। तो आपको अंदर वाली साइड बनाना है या बाहर वाली साइड बनाना है, हमारी मर्जी है, ठीक है। एडिट करेंगे, अब यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ कट दिया था इसकी जगह हम स्टॉक डेप्थ भी दे सकते हैं। स्टॉक डेप्थ हमने दे दी -10 और हमने कहा जी सॉरी वैल्यू देनी है प्लस वैल्यू में, और हमने उसको बोला कि हमारे को 0.5 का कट लगाना है। कैलकुलेट करेंगे तो ये अब ये 0.5 के कट लगाएगा, देखो कि ब्रीक हो गए ना। तो जितनी डेप्थ तक जाना हो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसकी सिमुलेशन देखनी है तो वापस इसको ऑन कर लो, शेड चेंज कर लो, एक बार इसको इधर लॉक करते हैं। ऑन कर लो, जहाँ पर हम रख देंगे वहीं पे आ जाएगी शेडिंग, ठीक है। प्ले करेंगे तो अब ये 0.5 का कट लगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है, पहले इस ट्यूटोरियल को इतना ही करके देखना है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट कैसे चेंज करना है, फीड स्पीड कैसे देनी है, स्पिंडल स्पीड कैसे देनी है, ठीक है, ड्राफ्ट एंगल कैसे देना है, फिनिशिंग के लिए अलग से कैसे कट लगाना है, तो बहुत सारी चीज़ें, लिमिट कैसे लगानी है, कोई बाउंड्री वगैरह कैसे बनानी है, तो इनको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। लीड इन लीड आउट भी है, ठीक है, तो एंट्री कैसे लेनी है या एग्जिट कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रैंप कर दूँ, ठीक है, लीड इन में, लीड इन मतलब होता है एंट्री कैसे करनी है, तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस दिखेंगी। अब देखो पहले क्या हो रहा था, सीधा प्लंज हो रहा था, ठीक है, और अगर मैं इसको ऑन करके आप दिखाऊँ रेनबो में, इसको एक नंबर और थोड़ी स्पीड स्लो करता हूँ ताकि एंट्री दिखे, तो देखो अब ये सीधा प्लंज नहीं होगा, ये ऐसे धीरे 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 ऐसे टेपर एंगल में एंट्री लेगा। स्पीड हमने ज़्यादा स्लो कर दी, उससे सीधा पहले लाल निशान आ रहा था, अगर देखा हो तुमने ध्यान से तो यहाँ पे एक लाल निशान आ रहा था, अब वो लाल निशान नहीं आएगा क्योंकि ये एंट्री जो है उसी वे में लेगा। थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, देखो ठीक है ना, लाल निशान नहीं आया ना, ये ऐसे टेपर में अंदर गया है, ठीक है। तो सीधा प्लंज कराने के बजाय थोड़ा सा रैंप एंगल दे देंगे, ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बहुत सारी ऑप्शन देखी जा सके, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं और कई चीज़ें सिखाऊँगा इसी 2D कर्व प्रोफाइल में, ठीक है। तब तक इसको करके देखना, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते।